नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे IRCTC के एक नई सेवा के बारे में। लोगों को जब कहीं घूमने का मन करता है या फिर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है रेलवे। रेलवे में टिकट को लेकर थोड़ा झमेला होता है। अगर आपने प्लानिंग देर से बनाई तो आपको ट्रेन में टिकट नहीं भी मिल सकता है। ऐसे में लोग टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाने से पहले ऑनलाइन उसको सर्च करते हैं और यहीं से टिकट बुक करवा लेते हैं। IRCTC की माने तो आरक्षित टिकटों में से करीब 83% टिकट ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से की जाती है। ऐसे में ऑनलाइन ट्रेन टिकट कैंसिल भी सबसे ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा भी होता है रिफंड आने में काफ़ी समय लग जाता है और आप टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं पैसा डूब तो नहीं गया। आपको इसी टेंशन को दूर करने के लिए IRCTC ने एक खास सर्विस की शुरुआत की है। अगर नई सर्विस के जरिए आप कोई यात्री IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेन टिकट कैंसिल कराता है तो रिफंड तत्काल उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको IRCTC iPay पेमेंट गेटवे का इंस्टॉल करना होगा, यानी कि ये ऐप है जिसे आपको इंस्टॉल करना होगा। IRCTC के iPay की खास बात यह है कि ये टिकट बुकिंग में लगने वाले समय को कम करता है और जिससे यूजर्स को जल्द से जल्द उनके बैंक अकाउंट से पैसा वापस मिल जाता है। तो चलिए हम आपको IRCTC iPay ऐप के जरिए रेलवे टिकट बुकिंग के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं IRCTC iPay ऐप को कैसे हम टिकट बुक करें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं IRCTC iPay ऐप से कैसे करें टिकट बुक। इसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC iPay ऐप को ओपन करना होगा, जिसके बाद आपको IRCTC के ID पासवर्ड को उसमें फिल करना होगा। अब आप यहां पर यात्रा को लेकर अपनी पूरी जानकारी साझा करें। इसके बाद आपको उस रूट में चलने वाले सारे ट्रेनों के बारे में जानकारी वहां पर दिखाई देगी। जब आप टिकट को बुक करने जाएंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको IRCTC iPay के ऑप्शन को चयन करना है। इसके बाद आपको पे एंड बुक ऑप्शन को चुनना है। पेमेंट करते समय आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का या फिर UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा, साथ ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें सीट कंफर्मेशन की बात कही जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक खास बात यह भी है कि जब कभी भी आप टिकट को बुक करेंगे तो आपको दोबारा से कोई भी पेमेंट डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे में आप आसानी से टिकट को बुक कर सकते हैं। मान लिया जाए कि कभी आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में रेलवे में नियम है कि आपका पैसा रिफंड हो जाता है, लेकिन जब आप IRCTC iPay से टिकट बुक करेंगे तो आपका पैसा तुरंत रिफंड हो जाएगा। अगर आप इसमें बुक नहीं करते हैं तो पैसे आने में थोड़ी देरी हो सकती है। वर्तमान में यही प्रोसेस है, लेकिन आप जब IRCTC iPay का इस्तेमाल करते हैं तो आपका टिकट आसानी से, यानी कि जो रिफंड पैसा है वो आसानी से आपके पास पहुंच जाएगा। रेलवे का यह नया नियम लागू हुआ है जिसमें कि आप IRCTC iPay ऐप का इस्तेमाल कर अपने कैंसिलेशन टिकट का जल्द से जल्द रिफंड, यानी कि उसका पैसा जो है रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।